इन दिनों दिग्रस शहर में ओपन स्पेस गार्डन और जॉगिंग ट्रैक निर्माण में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले में उठ रहे सवालों का खंडन करने शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कान्हूबा कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से सरकारी ठेकेदार सुधीर देशमुख ने पक्ष रखा। हालांकि इस मामले में शिवसेना के नगर सेवक कैलाश जाधव और पूर्व विधायक संजय देशमुख ने पहले ही आपत्ति दर्ज की है। सरकारी महकमे के खेल भी बड़े निराले होते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। दिग्रस शहर में भी जॉगिंग ट्रैक निर्माण में कुछ ऐसा ही उलझनों का नजारा बना हुआ है। मालूम हो कि हाल ही में शिवसेना के नगर सेवक कैलाश जाधव ने जॉगिंग ट्रैक के साथ ही शहर के 7 इलाकों में कथित रूप से निर्माणाधीन ओपन स्पेस गार्डन में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की थी। जॉगिंग ट्रैक और ओपन स्पेस गार्डन के निर्माण में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप का खंडन करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसको सरकारी कॉन्ट्रैक्टर सुधीर देशमुख ने संबोधित किया। कान्हूबा कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से सुधीर देशमुख इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। सर्व लोकांनी विनंती केली तिकडे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी, त्यानंतर गौरक्षणच्या लोकांनी आणि शिवापूर जाणाऱ्यांनी, तेव्हा संजयबाब राठोड यांनी तो रोड चांगला दुरुस्त करून देण्याचं त्यांनी थांबलं आणि त्यानंतर त्यावर कुठल्या पद्धतीने निधी आणायचा त्यामध्ये टेक्निकल अडचणी पुष्कळ येत होत्या, म्हणून त्याला हे टायटल देण्यात आलं। मी जे आता सांगितलं तुम्हाला, धुरीनगर ते गोरक्षण जॉगिंग ट्रॅक तयार करणे, इंटरलॉकिंग टाईल्स बसविणे, हे फक्त त्याला टायटल आहे। त्यानंतर त्याचं टेंडर झालं आहे, ते हे टेंडर कान्हूबा कन्स्ट्रक्शन कंपनी दिग्रस म्हणजे राहुलभाऊ शिंदे यांना ते काम मिळालं। या कामाची जी प्रपत्र शेड्यूल बी प्रमाणे जी किंमत आहे ती 1,93,13,458 रुपये अशी त्याची किंमत आहे आणि GST सहित या कामावर 2,01,69,524 रुपये त्यावर आत्तापर्यंत म्हटल्यापेक्षा पूर्ण खर्च झालेला आहे। या कामाच्या बाबतीत जी काही डिपार्टमेंटची प्रोसिजर आहे ती प्रोसिजर पूर्ण झालेली आहे। जवळपास हे काम पूर्ण होऊन 2 वर्ष झालेलं आहे आणि त्यामध्ये जे की क्वालिटी कंट्रोलचे पथक येतात त्याचे सर्व रिपोर्ट्स त्यामध्ये आहेत, त्यानंतर टेक्निकल त्याचं ऑडिट झालेलं आहे आणि थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन कलेक्टर ऑफिसकडून घेतले जात असते त्या कामाचं। कलेक्टर ऑफिसकडून थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन त्याचं झालं, त्यानंतर त्याचं फायनल बिल। दिग्रस से शिवापुर तथा गोरक्षण रोड के निर्माण कार्य की मंजूरी में आ रही तकनीकी मुश्किलों को दूर करने के लिए उक्त रास्ते को जॉगिंग ट्रैक का नाम दिया गया। ऐसे में संबंधित विषय में पूरी जानकारी नहीं होने से इस तरह के आरोप किए जाने की बात सुधीर देशमुख ने दोहराई, जबकि इस मुद्दे को पूर्व विधायक संजय देशमुख ने जनता के आंखों में धूल झोंकने की हरकत करार देते हुए लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर की बेवकूफी से भरे हास्यास्पद जवाबों और दिग्रस नगर पालिका की भ्रष्ट कार्य प्रणाली को आड़े हाथों लिया। भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये साखळी उपोषण करण्यामध्ये या ठिकाणी आमच्या ताई कल्पनाताई पवार या ठिकाणी बसलेल्या, त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेलो आहे। या ठिकाणी या जॉगिंग ट्रॅकसाठी सुद्धा आमचे बंधू या ठिकाणी, त्यांनी सुद्धा या कामासाठी आवाज उठवला आणि यांनी कोर्टात सुद्धा या ठिकाणी याची केस या ठिकाणी टाकलेली आहे। सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की जॉगिंग ट्रॅक निर्माण करण्यासाठी जो काही निधी आला, जे काही टेंडरमध्ये त्या ठिकाणी नोट होत्या, जे काही टेंडरमध्ये ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या गोष्टी आता काढून टाकलेल्या आहे आणि नुसता त्या ठिकाणी रोड केलेला आहे। परंतु या ठिकाणी रोडच्या मध्ये 2,55,00,000 रुपये या रोडवर या ठिकाणी खर्च या ठिकाणी दाखवलेला आहे, परंतु जे काही टेंडरमध्ये ज्या गोष्टी होत्या त्या काही त्या ठिकाणी अस्तित्वात नाही। याच्यापूर्वी सुद्धा आमच्या पत्रकार बांधवांनी सुद्धा या गोष्टीबद्दल आवाज उठवलेला आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला या ठिकाणी कुतूहलाचा विषय झालेला आहे। दिग्रसच्या जनतेला या ठिकाणी जाणून घ्यायचं आहे की खरा काय प्रकार आहे। बहरहाल जॉगिंग ट्रैक और ओपन स्पेस गार्डन के निर्माण कार्य में धांधली के खिलाफ जारी आरोप और अनशनों के जवाब में दिग्रस लोक निर्माण विभाग के उपविभागीय अभियंता के बेतुके तर्क, नगर पालिका प्रशासन की बिगड़ेल कार्य प्रणाली और जॉगिंग ट्रैक निर्माण कार्य में तकनीकी मुश्किलों का हवाला दे रही कान्हूबा कंस्ट्रक्शन कंपनी का खंडन नहीं तर्क और वास्तविकता से हटकर किया गया प्रयास मालूम होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जॉगिंग ट्रैक के एक ही मुद्दे पर लोक निर्माण विभाग के अभियंता, नगर पालिका प्रशासन और खुद कान्हूबा कंस्ट्रक्शन कंपनी के दावों में समानता होती, न कि विरोधाभास। BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।